नाइन्थ क्लास के सभी छात्रों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1, ठीक है। इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आज देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्न बहुपदों में बहुपद की घात लिखो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इससे संबंधित भी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। छोटे प्रश्न आते हैं एक एक नंबर के। तो इसके अंदर देखो क्या करना पड़ता है कि जो बहुपद है इसमें आपको बहुपद की घात देखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि 5x3 प्लस 4x² प्लस 7x, ये एक बहुपद है और एक चर में बहुपद है। देखिए यहाँ पे x, x और x ही दिख रहा है, यानी एक चर वाला एक बहुपद है। अब आपको यहाँ पे बहुपद की घात, और बहुपद की घात का मतलब ये होता है कि बहुपद के अंदर चर की जो उच्चतम घात है वही बहुपद की घात होती है। ये आपको अच्छे ढंग से दिमाग में रखना है कि चर के ऊपर जो उच्चतम घात होगी, देखिए यहाँ चर के ऊपर कितनी घात है, कोई नहीं है, तो एक, यहाँ कितनी नज़र आ रही है आपको, दो, और यहाँ कितनी नज़र आ रही है, तीन। तो इस बहुपद की घात है वो तीन होगी, क्योंकि जो हाइएस्ट घात है वो कितनी है, तीन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि बहुपद की घात है वो कितनी है, तीन। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, देखो आपको एग्जाम के अंदर इसका आंसर कैसे देना है कि ऐसे भी दे सकते हैं, देखिए बहुपद की घात बराबर तीन शॉर्ट में, और यदि पूरा लिखना चाहते हैं ऐसे लिख सकते हैं कि बहुपद में चर की उच्चतम घात है वो तीन है, अतः बहुपद की घात बराबर तीन, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं, बहुपद में चर की उच्चतम घात है वो कितनी है, तीन है। देखिए यहां पे तीन, दो और एक है, तो हाईएस्ट घात है वो कितनी है, तीन। तो यहां लिखूंगा मैं कि बहुपद में चर की उच्चतम घात तीन है, अतः बहुपद की घात भी कितनी होगी, अतः बहुपद की घात तीन है, या तीन होगी कह सकते हैं, तीन होगी। अर्थात आपने समझ लिया कि किसी भी बहुपद के अंदर जो चर की उच्चतम घात होगी वही क्या होगी, बहुपद की घात, ठीक है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे 4-y² है, तो यहाँ चर आपको एक ही देखने को मिल रहा है y, और y के ऊपर घात कितनी है, दो, अतः बहुपद की घात है वो कितनी हो गई, दो। तो यहाँ मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, आप लॉन्ग लिखना चाहते लिख लेना, ऐसे मैं ऐसे शॉर्ट में लिखता हूँ कि बहुपद की घात कितनी है, यहाँ दो है, क्योंकि चर की जो उच्चतम घात है वो क्या है, दो। इसी प्रकार यहाँ देखिए 5t-√7 है, तो बहुपद की घात कितनी हो गई, यहाँ पे चर है वो क्या है, टी है। देखिए एबीसीडी का कोई भी अक्षर चर के रूप में आ सकता है, चर व अचर, ये अच्छे ढंग से मैंने आपको बताया हुआ है। देखिए थोड़ा वापस एक्सप्लेन करता हूँ, चर का अर्थ क्या है, एबीसीडी के सभी अक्षर, एक्स, वाई, जेड, एबीसी कुछ भी आ सकता है, और अचर है वो सभी गणितीय अंक, अचर, जैसे 2, 3, 5 इस टाइप के जो भी अंक देखने को मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे, अचर। तो यहाँ देखिए जो चर है वो क्या है, टी है, तो टी के ऊपर यहाँ घात देखने को क्या मिल रही है, एक, कोई घात नहीं होती, तो कितनी घात होती है, एक। तो यहाँ बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, एक। तो यहाँ बहुपद की घात एक लिख लेते हैं कि बहुपद की घात कितनी है, एक है, ओके। इसी प्रकार यहाँ देखिए तीन है ओनली, ये चर रहित पद है, यानी इसमें चर आपको देखने को नहीं मिल रहा है, एक्स वाई जेड यानी कोई देखने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इस बहुपद की घात है वो क्या हो गई, जीरो। तो यहाँ लिखेंगे बहुपद की घात है वो क्या है, शून्य है, बहुपद की घात जीरो है, यहाँ पे तीन।